भैया इतनी ज्यादा भीड़ अभी तक मैंने भैया और ना देखी, बहुत ज्यादा भीड़ है और बुरी तरीके से हम लोग फंसे हुए हैं। और आप देख पा रहे हो राधा कुंड को दिव्य नजारा, बहुत ही आनंदमय दिव्य दर्शन है श्री राधा रानी के। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज के ब्लॉग में आप सबन को बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सभी हमारी श्री जी की कृपा से बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही खास बनने वाला है, क्योंकि आज है अघोई अष्टमी। और आप सबन को बता दूं, अघोई अष्टमी पे हमारे श्री राधा कुंड को आज प्रादुर्भाव भैया प्राकट्य उत्सव बड़ी भव्यता के साथ में मनाया जा रहा है। तो हम सभी भैया चलेंगे श्री राधा कुंड के दिव्य दर्शन करने के काजे, और रात को 12 बजे करेंगे राधा कुंड में दिव्य स्नान। तो आप सभी मेरे ब्लॉग के अंत तक बने रहियो। तो भैया अभी हम लोग भैया कछु देर में निकलेंगे घर से, तो आप सभी मेरे ब्लॉग के अंत तक बने रहियो, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही खास बनने वाला है। और आज के दर्शन मात्र करने से सभी मनोकामनाएं श्री जी बहुत जल्दी पूरी करें। तो अभी हम लोग चल रहे हैं श्री राधा कुंड गोवर्धन के काजे दर्शन करने को। भैया यहाँ समय बज रहे 8 और अभी हम लोग सवन के संग में निकल चुके हैं श्रीधाम वृंदावन ते राधा कुंड के काजे। तो मैं अभी यहाँ समय आप सबन को लेके आ गया हूँ प्रिया कांतजू। और प्रिया कांतजू यानी हम लोग पहुँच चुके हैं छठी करा पे। छठी कराते होते हुए हम लोग पहुँचेंगे श्री राधा कुंड के दिव्य दर्शन करने और स्नान करवे को। भैया बड़ा आनंद यहाँ समय आ रहे हैं। और मैं अब आप सबन को लेके आ चुका हूँ राधा कुंड। और आप सबन को बता दूं, आज बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को हमें मिलेगी। और हमारी जो गाड़ी है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर ही यह समय उतार दी गई है। तो भैया अब हम लोग सब भैया पैदल चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। और आप सबन को बता दूं, यह समय बज गए 11:30 और 12 बजे को दिव्य स्नान है। तो स्नान और दिव्य दूध की धार के हम लोग दिव्य दर्शन करेंगे राधा कुंड में। तो अभी भीड़ भैया स्टार्ट हुई है, मूल ऐसा लग रहा है कि आज सबसे ज्यादा भीड़ होने वाली है। तो आप सभी मेरे ब्लॉग के अंत तक बने रहिए और आज राधा रानी के हम लोग दिव्य दर्शन करेंगे। तो आप देख पा रहे हो भैया जैसे जैसे हम लोग परिक्रमा में प्रवेश करते जा रहे हैं, वैसी वैसे हमें भीड़ नजर देखने को हमें मिल रही है। और आप अंदाजा लगा पा रहे हो अभी स्टार्ट ही है और आप देख पा रहे हो भीड़ बहुत है। भैया इतनी ज्यादा भीड़ है, मैं आप सबन को कहा बताऊं कि हम लोग बुरी तरीके से आज भीड़ में फंस चुके हैं। ना तो हम पीछे ही लौट पा रहे हैं, ना ही हम लोग आगे लौट पा रहे हैं। और यानी ऐसी स्थिति प्रगट या समय हमारे सामने है गई है, मानो ऐसे भगदड़ जैसी मच रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मैं आपको बता दूं, आज हमें पूरी रात ही निकलेगी और जब जाके हम लोग राधा कुंड पर पहुंच पाएंगे। और यह समय बज गए 2:30 और आप देख पा रहे हो 2:30 बजे का सीन, का सीन है, इतनी ज़्यादा भीड़ है आज भैया, बहुत ज़्यादा भीड़ है। यानी लाखों से ज्यादा भैया संख्या में आज राधा कुंड पे पहुंचे हैं दर्शनार्थी। निसंतान दंपति आज श्री राधा कुंड में स्नान करेंगे। और आप देख पा रहे हो बहुत ज्यादा यह समय, सबसे ज्यादा श्री धाम बरसाने में और वृंदावन में भी बहुत ज्यादा भीड़ अब हमें देखने को मिलेगी। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि भैया ऐसी भीड़ में आने की बिल्कुल भी जरूरत ना है, क्योंकि मेरे संग में जो मेरी चाची आंटी लोग हैं वो लोग भी बुरी तरीका से भैया चक्कर खा के गैरों से गई हैं और बहुत बुरी तरीका से पिच चुकी है भीड़ में। पर हमारे पास में कोई साधन भी ना है, क्योंकि हम लोग भैया पीछे भी ना लौट पाएंगे। और बस एक ही बस हमारे पास व्यवस्था है कि अब भीड़ के साथ में ही आगे आगे बस बढ़ती जाओ बढ़ती जाओ। लेकिन हमारी हालत आप देख पा रहे हो भीड़ में का हालत भी है वो हमें यह पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है यह समय श्री राधा कुंड में। अब मैं जब जैसे ही मैं आई की तरफ मैं बढ़ाऊँ तो भैया ये गांव पड़ो या गांव में थे भैया हम लोग निकल के
थोड़े से आगे की तरफ में आए क्योंकि हमें चार जगह थोड़ी भीड़ ने कम देखने को मिली। यहाँ हमारे मैं याद तरफ में पहुंच चुका हूँ। और भैया आप सब को बता दूं, तबीयत भी थोड़ी खराब सी है चुकी है यह भीड़ देख के, और बहुत ज्यादा ऐसा आज पहली बार ही हमें इतनी भीड़ श्री राधा कुंड में देखने को मिली है। पर भैया बहुत ज्यादा भीड़ है, और अब आप सभी दर्शन करो राधा कुंड के, बहुत ही सुंदर राधा कुंड के दिव्य दर्शन है रहे। और या कुंड में जिन पे जो कोई भी संतान ना हुई करे, या जगह कुंड में नहाने से संतान की प्राप्ति हुई करे। आप देख पा रहे कितना जगमगा रहे है श्री राधा कुंड, बहुत ही दिव्य राधा कुंड के दर्शन है। पर भैया यहाँ से मैं बता दूं, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। यानी हम नहाने के बाद में भैया कपड़ा तक भी चेंज ना करें, और ऐसे कि ऐसे भैया नहा के बाहर निकले, क्योंकि भीड़ में बहुत बुरी तरीका से हम लोग फंसे हुए हैं। और हम लोग निकले थे 8 बजे के, और यहाँ समय बज रहे हैं 5, और 5 बजे हम लोग भैया राधा कुंड पे, जो आप देख पा रहे हो वो तो आप सबको बता दूं, हम लोग भीड़ से थोड़ा सा इधर उधर घूम घाम के तब जाके हम लोग राधा कुंड और श्याम कुंड पे पहुंचे हैं। आप देख पा रहे हो बहुत दिव्य आज के दर्शन है। अब भैया हम लोग सब बाहर निकल चुके हैं, अब हमें कछु भी नजर ना आ रहे हो। अब भैया हम लोग डायरेक्ट श्रीधाम वृंदावन को निकलेंगे।